सत्याचा विजय झाला अशी सर कंटिन्यू सर बोलिए सर बहुत अहम भूमिका रही राजीव पटना में एफआईआर दर्ज कराने में बल्कि सीबीआई की जांच बहुत अहम मुद्दा ले जो है सीजीपी साहब एक मिनट देखिए देखिए इधर आओ इधर आओ अस्थिर हो जाएगा तभी सुनिए मैं सर एक मिनट सर एक मिनट सर मैं बहुत खुश हूँ सर पहली प्रतिक्रिया क्या होगी मैं बहुत खुश हूँ ये मैं आप लोग चुप रहिए मैं बहुत खुश हूँ ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है ये 130 करोड़ भारतीयों के भावनाओं की जीत है और मैं ये बता देता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी वो और ज्यादा दृढ़ हुई है लोकतंत्र में विश्वास दृढ़ हुआ है और अब लोगों के अंदर ये उम्मीद बनी है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा परिवार के लिए कितनी बड़ी खबर परिवार के लिए कितनी बड़ी ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी खबर है पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से संवैधानिक रूप से सही काम किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए बिकॉज द वे मुंबई पुलिस वॉज बिहेविंग वॉज टोटली इलीगल वॉज टोटली अनइथिकल वॉज टोटली अनप्रोफेशनल वन आई पी एस अफसर इज गोइंग टू मुंबई विथ प्रायर इन्फॉर्मेशन एंड ही इज बीइंग क्वारंटीन एट 12 o'clock midnight. This is not done. This is not professional behavior. This is very bad. उनकी बात भी मान ली गई है तो आपको क्या लग रहा है अब फैसला होकर रहेगा नतीजा आकर रहेगा नतीजा आएगा निश्चित आएगा क्योंकि ये केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है एक परिवार की लड़ाई नहीं है ये गुप्तेश्वर पांडे की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है ये हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय चाहती है उसकी लड़ाई है सब लोग मुंबई पुलिस को भी करारा तमाचा लगा इससे संजय राउत ने आपके ऊपर भी बहुत सारे देखिए किसी राजनैतिक व्यक्ति के आरोप का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है उस पर मैं मुझे कुछ नहीं कहना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे इस बात की मुझे खुशी है पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी कुछ लोगों को बेचैनी थी छटपटाहट रही होगी कि उनका कहीं पोल न खुल जाए इसलिए लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा देखिए देखिए केस के प्रकृति पर समय निर्भर करता है एक महीना में होगा तीन महीना में होगा समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है पूरे देश की नजर इस पर है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट
इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है, उसने कुछ किए थे उसको पहले, रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। कमेंट पटना पुलिस की जांच सही थी, पटना पुलिस जो कर रही थी बिल्कुल कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके थे, सही काम कर रही थी। और बिहार के मुख्यमंत्री ने जो सपोर्ट किया, आज सुशांत को अगर न्याय मिलने की उम्मीद बनी है, इस मुकाम तक लड़ाई पहुंची है, तो बिहार के मुख्यमंत्री के सपोर्ट के कारण नहीं मिला है, समय लगता है। केस ये सीबीआई में रही रही, इनको काबिल भाई इनको हर केस 100 का 100 केस, सब केस खुल जाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। हर केस में, चाहे वो सृजन का मामला हो या कोई मामला हो, हर केस का चरित्र, उसका नेचर, उसकी प्रकृति, उसके अनुसंधान और साक्षियों के संकलन का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए केस में कब निर्णय पर मामला पहुंचेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहुंचेगा मामला। जी औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए, शोभा देता है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा, इसलिए बोल रहा हूँ। कानून विधि सर आपका कानून, अरे हमारे आप जो बोल रहे, आप तो तैयारी करके आए हैं हमको, आप जैसे लोगों से मैं डिमोरलाइज होने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि संविधान ने देश के, रवि आइए इधर, आप मोटिवेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको भेजा आज सीबीआई ने, सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जांच के लिए, इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या मानते हैं? भाई सुनिए एक मिनट, जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च सुनिए, जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में डिसाइड हो गया, उस पर हम क्यों बहस कर रहे हैं? अगर हम लोगों ने कोई गलत काम किया होता, कोई गैर कानूनी, ये बताइए गैर कानूनी काम किया होता, असंवैधानिक काम किया होता, अमर्यादित काम किया होता, तो हमारे खिलाफ फैसला आता। तो अब जब देश की सबसे शीर्ष अदालत ने, हम लोगों ने जो किया उस पर मुहर लगा दिया कि हम सही थे, गलती उनकी थी, तो अब इस पर बहस करने की क्या जरूरत है, आप बताइए। और ये भाई साहब पूछ रहे हैं कि आप रिया चक्रवर्ती के बारे में, तो मैं इस बात को रिपीट करता हूं, आप जो कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती, हम दोषी तो किसी को कह ही नहीं रहे इन, नहीं जी नहीं, मैंने कभी नहीं किया, एक भी बाइट निकाल कर दे दीजिए किसी पर। सुनिए इनका जवाब देना, हमने किसी आदमी को, सुशांत को न्याय मिलेगा ये तसल्ली हम लोगों को हो गया है, तमाम चीजें दूध का।